इस खबर के सह प्रायोजक थे द वेब स्कैटरर्स रामगढ़। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद ताम्रध्वज झारखंड के रांची पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज के आगमन को लेकर उत्साहित कांग्रेसियों ने गर्मजोशी के साथ अपने राष्ट्रीय नेता का रांची हवाई अड्डा पर फूलमाला पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया। सांसद महोदय रांची पहुंचते ही कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में ओबीसी संगठन को मजबूत करना ही एकमात्र लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कड़ी में देश के सभी प्रदेशों का दौरा कर वहां के ओबीसी पदाधिकारियों एवं प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मिलकर ओबीसी संगठन की समस्याओं को जानने के बाद उसको राहुल गांधी के समक्ष रखूंगा और अपने स्तर पर निदान करने का हर संभव पर प्रयास करूंगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई पर लगाम लगाने में असफल साबित हुई है यह मोदी सरकार। ओबीसी चूंकि संख्या में काफी बड़ा है काफी प्रदेशों में, तो मैं समझता हूँ वो तो बहुत आवश्यक है। ओबीसी मिलकर ओबीसी को अपने में मिलाना, अपने संगठन से जोड़ना, ओबीसी की भूमिका सरकार बनाने में काफी कारगर हो सकती है। जैसे यहाँ मुझे जानकारी, हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, अभी तो मैं साथियों के साथ चर्चा करूंगा, नीचे बैठूंगा तो सब लोग बताएंगे यहाँ झारखंड की स्थितियाँ क्या है और मैं उसको नोट भी करूंगा। लेकिन सामान्य चर्चा में बताया कि पहले जब ये बिहार में था तो ओबीसी का 27% आरक्षण था और झारखंड अलग बनने के बाद 14% शायद कर दिया है। तो एक बड़ा डिमांड ओबीसी का कि यहाँ जब बिहार का 27 था और वहाँ संलग्न है तो उससे कम नहीं होना चाहिए, ऐसा एक बात आया जानकारी में। तो अभी जब बैठूंगा तो पूरी बातें मेरे सामने आ जाएंगी, तो उसको फिर मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखूंगा कि हमारा देश का ओबीसी अलग अलग प्रांतों में क्या उनका सोच है, क्या आवश्यकता है उनकी, क्या पीड़ा है उनकी, ये जानने और उसको अगर हम दूर कर सके तो हम जोड़ने में कामयाब होंगे, ये मूल। वहीं प्रेस वार्ता से पूर्व सांसद ताम्रध्वज को रांची हवाई अड्डा पर स्वागत करने गए हजारीबाग लोकसभा के कांग्रेस के युवा नेता संतोष महतो ने कहा कि ताम्रध्वज के झारखंड आगमन से झारखंड के ओबीसी लोगों को बल मिलेगा और उसमें नई ऊर्जा और ताकत का संचार होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्र साहू जी ने कांग्रेस पार्टी में जुड़े जितने भी ओबीसी विभाग के पदाधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की। मुझे बहुत खुशी हुई कि राहुल गांधी के दिशा निर्देश पे ओबीसी विभाग को मजबूत किया जा रहा है और ओबीसी की समस्या जो जनता की है उसे राहुल गांधी के साथ मिलकर ताम्रध्वज साहू जी, मैं, संतोष जी, अभिलाष साहू जी जो प्रदेश अध्यक्ष है ओबीसी विभाग के, सभी मिलकर ओबीसी की समस्याओं को दूर करेंगे, ये रण लिया गया। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी झारखंड में ओबीसी जाति से जुड़े लोग, कोयरी, कुर्मी, तेली, अन्य भी समाज के जो लोग हैं ओबीसी में आते हैं उनके आरक्षण की बात होगी और कांग्रेस पार्टी मिलकर आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेगी। रामगढ़ में पहली बार एसी मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, गणक मैरिज हॉल, सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स, बार्गेन बाजार के पीछे, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9431957975, 9386403891।